ये तो आपने पिछली बार भी कहा था। इस बार आप क्या योजना लेकर आए हैं? कहीं पिछली बार की तरह ही कोई बेकार सा राक्षस तो नहीं भेजने वाले जिन्हें अर्जुन और बाकी पांडव आसानी से मार देते हैं? और अर्जुन तो उन फूलों को पाने में भी सफल हो गया जिसे हासिल करने के लिए गुरु द्रोण बहुत उत्सुक थे। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि उन्हें अब कोई रोक नहीं सकता। नहीं मंत्री कारणिक, अब हमें अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। पांचों पांडवों को एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग करके खत्म करना चाहिए। भीम उनमें से सबसे ज्यादा बलवान है और वो है खाने का लालची। मेरे पास उसे मारने का एक अच्छा उपाय है। ये बहुत खतरनाक जहर है जिसे उसके खाने में मिलाना होगा। ये जहर काम तो करेगा ना? इसको पीने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा। अच्छा है, पर भीम के शरीर का क्या करेंगे? उसे हम नदी में फेंक देंगे। दुर्योधन, भांजे, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। अर्जुन दिन पर दिन और कुशल होता जा रहा है। युधिष्ठिर और भीम उसकी पूरी तरह से सहायता कर मुझे और परेशान कर रहे हैं। ऐसे में तो गुरु द्रोण अर्जुन का ही पक्ष लेंगे और राजसभा में अर्जुन को ही अगले युवराज के रूप में सबसे योग्य बताएंगे। उसके लिए उन्हें जीवित भी तो बचना होगा ना भांजे। तुम ये रखो, तुम लोगों की परेशानी का हल। ये बहुत ही खतरनाक जहर है भांजे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ। तुम लोगों को अंदर आना मना है, तुम्हें नहीं पता क्या? वो भूल हो गई, अभी बाहर चला जाता हूँ। आज सुबह से ही मुझे कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हो रहा है। मतलब क्या है तुम्हारा? कोई गड़बड़ नहीं है सहदेव, तुम आराम से खाना खाओ। पर आज खाना उतना स्वादिष्ट नहीं है। भीम को खाने का स्वाद पसंद नहीं आ रहा, इससे बड़ी गड़बड़ क्या हो सकती है? चलो छोड़ो और खाना खाओ। मेरा तो हो गया। आज सूरज कहाँ से उगा था? अभी तक हमारा खाना नहीं हुआ और भीम का पेट भर गया, आश्चर्य। चलो तुम लोग खाना खाओ, मैं टहल कर आता हूँ। मुझे कुछ आलस सा लग रहा है, नींद नींद सी आ रही है। चलो चलो जल्दी उठाओ इसे, कोई देखे उससे पहले काम खत्म करना है। तो भैया भीम आखिरकार स्वर्ग सिधार गए। ये इंसान है कि हाथी, एक टन से भी ज्यादा वजन होगा इसका। क्या हम किसी और को नहीं बुला सकते इस हाथी को उठाने के लिए? कहीं इसकी लाश उठाते उठाते
मैं ही ना मर जाऊं। बकवास बंद करो और जल्दी जल्दी चलो। हाँ? ये आवाज कैसी थी? कुछ तो हुआ है। भीम कहाँ पर है? नदी, नदी में। क्या देखा तुमने? पानी में कुछ गिरा भैया। भीम, भीम, भीम! भीम, 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 भीम! मुझे लगता है हम पर हमला हुआ है। लगता है इस बार हम जीत ही गए। कौन सी जगह है? कहां पर हूं मैं? हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। कौन सी जगह है ये? इन सब सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हें जहर दिया गया था। जहर? हाँ। क्यों? किसने? किसकी हिम्मत हो गई भीम से पंगा लेने की? हमें ये नहीं पता, पर तुम्हारा कोई शत्रु ही होगा जो तुम्हें जीवित नहीं देखना चाहता। तुम अब खतरे से बाहर हो। हमने तुम्हें औषधि दे दी है, चिंता की बात नहीं। तुम यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हो। यहाँ? यहाँ कहाँ? आप लोग कौन हैं? मैं हूँ कहाँ पर? आप नागलोक में हैं राजकुमार भीम। मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ और ये है मेरे पिताजी, नागलोक के राजा। हमने ही आपको जहर के असर से बचाया है। मैं अपने व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप ही महान नाग सम्राट हैं। कुंती माँ से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप दोनों से मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कोई बात नहीं भीम, मैं समझ सकता हूँ। वैसे तुम्हें अब आराम की जरूरत है और राजकुमारी तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। मैं फिर क्षमा चाहूंगा नाग नरेश, मुझे तुरंत ही आश्रम पहुंचना होगा। वहां मेरे भाई मेरे लिए चिंतित होंगे। मुझे इसी समय आश्रम के लिए निकल जाना चाहिए। मैं तुम्हारी उलझन समझ सकता हूं भीम, पर अभी हम किनारे तक नहीं पहुंच सकते। नदी में पिछले 2 दिन से तूफान आया हुआ है, उसके थमते ही हम तुम्हें आश्रम तक पहुंचा देंगे। राजकुमारी, आप भीम को अपने राज्य की सैर पर ले जाइए। मुझे उम्मीद है कि भीम को हमारा राज्य पसंद आएगा।
ये क्या तुम्हारा रोज का काम है? क्या? नहीं नहीं, मतलब कि जब जरूरत हो, जब इस तरह के जीव जंतु अचानक यूं प्रकट हो जाए। वैसे धन्यवाद, आप मेरे लिए इतने खतरनाक जीव से भिड़ गए, अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। अरे कोई बात नहीं, ये तो तुच्छ सा जलजीव था, आपके लिए तो मैं इनसे भी बड़े खतरे से भिड़ सकता हूँ। तो आपके अनुसार मैं इससे भी बड़े खतरे में पड़ूंगी? तो आप क्या चाहते हैं, मैं ऐसे और इनसे भी बड़े बड़े खतरों में बार बार पड़ूं? अरे नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। वैसे आपका राज्य है तो बहुत सुंदर, सच। धन्यवाद।